जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिस ज्ञान सर्व का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक साधना के बारे में जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीर बाबा को कैसे उसको सिद्ध किया जाता है, कैसे उनका साध करके रखा जाता है, कार्य लिया जाता है। यह मुस्लिम पद्धति है, इसलिए इसे जितना भी विधान है वह जो मुस्लिम पद्धति के अनुसार करना होता है। यह साधना 21 दिन की साधना है। यह साधना कर लेने के बाद में आपको किसी के भी शरीर से भूत प्रेत को निकालना, जिन खबीस को निकालना सदा के लिए, और सट्टा नंबर निकालना, और इसमें हजरात लगाना बहुत ही सरल हो जाता है यह साधना करने के बाद में। इसलिए साधना को, इसके बारे में जो जानकारी देना है, उसको बड़ा ध्यान से सुनिए और बड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत लोग हैं वो वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखते नहीं हैं, बाद में फिर कमेंट करते हैं या फिर कॉल में लगा कर प्रश्न करते हैं कि इसको क्या मतलब है क्या नहीं। पहले वीडियो में अच्छी तरह समझा दूंगा, वीडियो हाल ही थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन अच्छी तरह समझा दूंगा, आप उस कोई भी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं उस साधना के बारे में। यह साधना जो है मुस्लिम पद्धति के अनुसार से साधना है। यह मुझे गुजिक द्वारा, जो मुस्लिम गुजी थे मेरे, उनके द्वारा यह साधना प्राप्त है, उनके द्वारा यह बताया गया है विधा, वो आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ, ताकि इनका उपयोग करके साधना करके आप जनहित जन कल्याण करें इसके बारे में जान सकें। इस साधना से, 21 दिन की साधना है, इसमें आपको पीर बाबा का स्वरूप एक धुआं के स्वरूप में पूरा, एक कोई बुजुर्ग दाढ़ी वाला एक हाथ में तलवार लिए या फिर घोड़े में खड़े हुए आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसको कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ध्यान सुनिए। यह साधना को किसी भी गुरुवार के दिन या जिस दिन गुरुवार का चांदनी रात का 14 पड़े तो और सबसे उत्तम माना जाता है, उस दिन से इसको आरंभ करना है। या फिर आरंभ कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 21वां दिन 14 का गुरुवार, यानी गुरुवार के दिन 14 चांदनी रात का शुक्ल पक्ष का वो पड़े तो आज सबसे उत्तम होगा। नहीं तो आप कोई से भी गुरुवार के रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के मध्य साधना को आरंभ करना है। साधना काल के समय में आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, सर में जैसे मुसलमान लोग टोपी लगा कर रहते हैं उसी तरह से, टोपी नहीं तो आप रुमाल बांध करके हमेशा रखेंगे 21 दिन तक। सफ़ेद कपड़ा जरूर पहने, साथ ही साथ उतने दिन तक अंतर्गत आप एकदम अपने शरीर को शुद्ध रखें, पाक साध रखें। किसी प्रकार से यदि आप एक नंबर या दो नंबर जाते हैं तो एकदम स्वच्छता का ध्यान रखें। अब इसमें एक दीपक जलाएं, मिट्टी के दीपक हो या फिर पीतल का कटोरी से बना करके दीपक जला सकते हैं। सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे और सफ़ेद रुई का इस्तेमाल करेंगे बाती के लिए, और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके एकांत रूम में वहाँ इत्र उत्र छिड़क करके सुगंधित रख दें उस रूम को, और सफ़ेद कलर का आसन बिछाएं और हरा कलर का एक अलग से मखमल जैसा कपड़ा हो उनको बिछा करके उनमें चावल का ढेरी बनाएं, लंबा ढेरी बनाएं, जो कि उत्तर दक्षिण दिशा के ऐसे हो, आप ऐसे बैठ रहे हैं तो इस तरह से वो ढेरी बनाएंगे। फिर उसके बाद में गुलाब का फूल रख दें, इत्र उसमें छिड़क दें, उसके जस्ट सामने में दीपक लगाएं, दीपक जलाने के बाद में आप सफ़ेद कलर का आसन बैठाएं, उसमें घुटना मोड़ करके आपको बैठना है, उसे थोड़ा दूर रखें और सामने में जस्ट जो आप उस चावल का ढेरी और दीपक रखें उसके थोड़ा छोड़ करके एक अंगार के लिए एक तसला रख दें, उसमें अंगार रखें, मैंने लकड़ी को जला करके वो आग अंगारा बने वो रखें, उसके जस्ट पीछे आपको बैठने का आसन है वो घुटना मोड़ करके इस मंत्र को आपको जप करना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इस दुआ को पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद में लोभान और लौंग यह आपको मिला लेना है, उसको पीस करके, और मिलाने के बाद में आपको थोड़ा सा हाथ में लेना है और मंत्र पढ़ते हुए वो जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र पढ़ के आग में छोड़ना है। ध्यान रहे वो जलते रहेंगे तो धुआं होना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा आपको बस पढ़ना है डालना है। ऐसा 108 मरतबा आपको करना है, इसी तरह करना है। यह प्रथम दिन का है और दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जैसे जैसे आप करोगे आपको जो आपने जो इत्र छिड़का है उससे अलग खुशबू देना आरंभ हो जाएगा आपको। उसको छाया स्वरूप आपको स्वप्न में बाजार का दर्शन और पीर बाबू आपने पूर्वजों का दर्शन यह सब होने लगता है अनुभव, ये धीरे धीरे मार्गदर्शन करते जाएंगे। यह अंतिम दिन जैसे 15-16 दिन जैसे होता है उसमें आपको स्वरूप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले स्वप्न में दर्शन देंगे, उसके बाद आपको आवाज़ें सुनाई देंगे, उसके स्वरूप दिखाई देगा। हो सकता है आपकी सिद्धि अच्छी तरह से हो तो आपको स्वरूप दिखाई देगा। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता है। कुछ में सरलता है, 2-3 दिन होता है तो आपको दिखाई देना हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब यह स्वरूप है तो आप उनसे बोलिए, हे बाबा हमें या मेरे घर पर हमेशा रक्षा कीजिएगा, बरकत हो हमारे घर में, और जो भी कार्य हो वो मैं जनहित जन कल्याण के लेकर वो हो जाए आपकी दुआ से, आपकी कृपा से। ऐसा उनसे स्वाद ले लेना है। अंतिम दिन में जो है आपको एक हरा कलर का चादर, एक कपड़ा वहाँ रख दीजिएगा, इत्र और गुलाब का फूल या फिर गुलाब जल यह लेकर के वहाँ पर रख दीजिएगा। इक्कीसवें दिन में अब ये कार्य हो जाएगा। अब इसके बाद में अब जब भी आपको प्रयोग करना है उनका मन कर, किसी व्यक्ति को इस मंत्र पढ़ते हुए बस गुलाब जल को अभी मंत्र कर उसको छिड़क दीजिए तो हो जाएगा। किसी को ऊपर में चौकी लगाना है तो आप इस मंत्र के माध्यम से बस गुलाब जल थोड़ा सा हाथ में लगा लीजिएगा, हाथ में लगा लीजिएगा, उसके बाद में बस पढ़ते हुए आपको फूंक मार देना है, हाथ में लगाना है, सुगंधित हो जाएगा वातावरण, बस फूंक मार देना, हाजिरी लग जाएगा और इसी मंत्र से हाजिरी वापस चला जाएगा। पीछे आप कह दीजिएगा ना हो तो बस जिस वो जो चादर रखे हैं वहाँ पर रख सबको, अब बाकी जो पूजा किए हैं ना वो सभी सामग्री को जो है आपको सुरक्षित रख लेना है, कपड़ा सबको, बाकी सबको जल में प्रवाहित कर देना है, कपड़ा बस रखना है। अब जब उसको कपड़ा को मोड़ करके अब जब हाजिरी लगाना होता है तब वो कपड़ा है वह बस उसका नाम, उसके माता जी का नाम लिख करके उस कागज़ में उस कागज उस जो आपके चादर बिछाएं वो हरा कलर का उसी के नीचे में करके आपको रख देना है, बस दुआ कर देना है। थोड़ा देर के बाद में देखेंगे चौकी लग जाएगा, जब हटाना है तो उसको निकाल करके आग में फलिता बना करके आग में जैसे दीपक है उसमें जला दीजिएगा, वो जो दीपक है उसको भी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा चौकी लगाने के लिए। भूत है तो बस उतना करके भूत इसको वह इसको ले करके कैद करके हटा दीजिए शरीर से तो तुरंत हट जाएगा। हजरात लगाना है तब हाथ के नाखून में काजल लगा कर बस इसको हजरात दिखाइए, क्या बात है क्या है, प्रश्न उत्तर करते हैं तो तुरंत लग जाएगा। सट्टा नंबर भी यदि जानना चाहते हैं तो किसी को बैठा करके नाखून में करके नंबर आप देख सकते हैं, यदि यह साधना कर लिया है तो। ऐसा इन पीर के ये साधना के माध्यम यदि कर लेते हैं तो उसके बाद भी यह बहुत सारा कार्य सरलता से हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र कौन सा है, उसके एक विशेष बात बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है, पीर आने पीर मुस्तगीर, तेरा बंदा तेरा हुकूमत, तेरा करिश्मा अब दिखा दे, खोल मेरा किस्मत का ताला, एक महर एक लहर एक फरानी ताकत, हमें बता दो यही अरज हमारी बाबा, यही अरज हमारी बाबा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है। एक बात विशेष ध्यान रखें कि यह साधना के अंतर्गत किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना है, शराब का बिल्कुल ही नशा नहीं करना है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रहना है और इसको जितना भी हो सके गुप्त रूप से करें, अपने गुरु के सिवा किसी को इसके बारे में चर्चा ना करें, विशेष बात है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत